Hello, good morning friends. This is Hari Singh Nagar and a very warm welcome to our YouTube channel, that is Hari Nagar Jhala Patan. So today I will explain about the pain. So firstly, I will deal with the definition of pain. Identifying pain is a fifth vital sign. It is defined as unpleasant sensory and emotional experience associated with actual and potential tissue damage. इस कंडीशन में क्या होता है कि जॉइंट कमीशन के द्वारा 2001 में पेन को फिफ्थ वाइटल साइन कंसीडर किया गया, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि अदर वाइटल्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर को ये अफेक्ट करता है। और जब भी पेशेंट या किसी पर्सन को किसी प्रकार का टिश्यू डैमेज होता है तो उस टाइम उस टिश्यू से किसी प्रकार का केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होता है, और ये केमिकल मेडिएटर जैसे ही रिलीज होता है तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचती है और दोबारा से ये ब्रेन इन्फॉर्मेशन इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है और पेशेंट को पेन फील होता है। और इस प्रकार के पेन की वजह से जो पर्सन है उसके सारे सेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसी के साथ में पेशेंट इमोशनल भी हो जाता है, जो कि आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा जान सकते हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ पेन। सो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ पेन। तो पेन का ड्यूरेशन कितना है उसके आधार पर हमने इसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया है। सो सबसे पहला आता है एक्यूट पेन, यूजुअली ऑफ रिसेंट ऑनसेट एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक इंजुरी। इफ नो लास्टिंग डैमेज ऑकर्स एंड नो सिस्टमिक डिजीज एग्जिस्ट, एक्यूट पेन इज यूजुअली डिक्रीज एज हीलिंग ऑकर्स। इट कैन लास्ट फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स मंथ। सो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो एक्यूट पेन होता है वो हमेशा इमिडिएट होता है, रिसेंट होता है, और वो किसकी वजह से होता है, स्पेसिफिक इंजुरी की वजह से। अगर पर्सन के अंदर किसी प्रकार का टिश्यू डैमेज या इंजुरी नहीं हुई है या किसी प्रकार की डिजीज नहीं है तो एक्यूट पेन क्या होता है, स्लोली स्लोली डिक्रीज होता रहता है। जैसे ही हीलिंग होने लगती है तो वो पेन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, और इस प्रकार का जो पेन होता है कुछ सेकंड से लेकर सिक्स मंथ तक हो सकता है। सो सेकंड इज क्रॉनिक पेन। इट इज कॉन्स्टेंट पेन दैट पर्सिस्ट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड हीलिंग टाइम एंड दैट कैन बी कंट्रीब्यूट टू सम डिजीज और इंजुरी। इट कैन लास्ट फ्रॉम सिक्स मंथ और लॉन्गर। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, क्रॉनिक पेन में इस प्रकार का पेन कॉन्स्टेंट पेन होता है और इसका जो हीलिंग टाइम होता है वो एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा हो जाता है। अगर वो कम होता है तो एक्यूट पेन होता है, अगर उससे ज़्यादा चला गया सिक्स मंथ से ऊपर तो वो क्रॉनिक पेन माना जाता है। और क्रॉनिक पेन के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो किसी बीमारी की वजह से या किसी प्रकार की इंजुरी की वजह से ही होता है, और इस प्रकार के पेन का ड्यूरेशन सिक्स मंथ से लेकर ज़्यादा भी हो सकता है, या तो सिक्स मंथ या उससे ज़्यादा। अगर सिक्स मंथ से कम होता है तो वो एक्यूट पेन माना जाता है। देन सेकेंड आता है पेन क्लासिफाइड बाई लोकेशन, यानी कि जो पेन एक तरह से क्लासिफाई किया गया वो लोकेशन के आधार पर भी किया गया, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतने पार्ट्स होते हैं, इतने ऑर्गन्स होते हैं, तो जहाँ पर जो पेन हो रहा है वो उसको उसी नाम से उसको बुलाया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, यानी कि लोकेशन के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेल्विक पेन, अगर पेल्विस के अंदर पेन होता है दैट इज पेल्विक पेन, अगर चेस्ट के अंदर होता है तो चेस्ट पेन, अगर जैसे कि हेड के अंदर हो रहा है तो हेडेक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो लोकेशन के आधार पर इस पेन को क्लासिफाई किया गया है। देन थर्ड आता है पेन क्लासिफाइड बाय एटियोलॉजी, इट कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द कॉज सच इज बर्न पेन। अब जो पेन क्लासिफाई किया गया है ये एटियोलॉजी यानी कि कॉजेज के आधार पर या कारण के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पेन अगर इंडाइजेशन की वजह से हो रहा है तो दैट इज बर्निंग पेन या इंडाइजेशन वाला पेन, तो वो कारण के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या है। नेक्स्ट आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेन रेस्पॉन्स। जब भी पेशेंट को या किसी पर्सन को पेन होता है तो उस पेन का जो रेस्पॉन्स है उसको बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि उसको पहले भी कभी पेन हुआ है, अगर वही पेन दोबारा से होगा तो उसको उसके रेस्पॉन्स को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किडनी के अंदर स्टोन हुआ है तो उसका पेन। नेक्स्ट आता है एंजाइटी। एंजाइटी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, जैसे कि एग्ज़ाम को लेकर,
तो अगर पेशेंट को पेन है तो इस एंजाइटी की वजह से वो पेन ज़्यादा सीवियर हो सकता है। देन आता है डिप्रेशन। अब जैसे कि डिप्रेशन फॉर एग्जांपल अगर उसका रिजल्ट आया है, अगर उसका रिजल्ट ख़राब आया है तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में चला जाएगा तो उसका जो पेन का रेस्पॉन्स है वो भी प्रभावित हो सकता है। देन आता है कल्चर। अब कल्चर में क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं, तो उस कल्चर के अकॉर्डिंग भी पेन का रेस्पॉन्स प्रभावित हो सकता है। देन आता है जेंडर। अब जेंडर में जैसे कि मेल फीमेल, उनके पेन का रेस्पॉन्स भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर पेन का रेस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है, जबकि मेल के अंदर जो पेन का रेस्पॉन्स होगा वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का फैक्टर उसको प्रभावित कर रहा है। और देन आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स स्टडी अबाउट द जीन्स। अब जीन्स भी हमारे एक तरीके से पेन के रिस्पॉन्स को प्रभावित कर सकते हैं। देन आता है प्लेसेबो इफेक्ट। अब प्लेसेबो इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको पेन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी वो बोल रहा है मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को दवाई चाहिए, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, हम कुछ भी उसको जैसे कि वाटर पिल्स दे दिया या जो हमारा सीरिंज होता है उसके अंदर पानी भर के उसको इंजेक्शन लगा दिया, तो जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाएंगे या वाटर पिल्स देंगे तो उस वाली कंडीशन में उसका जो दर्द होगा वो बोलेगा कि मेरा दर्द ख़त्म हो गया, तो वो होता है प्लेसेबो इफेक्ट, यानी कि इसकी वजह से भी पेन का रेस्पॉन्स प्रभावित हो सकता है। सो नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन। सो फर्स्ट वन इज पेन ट्रांसडक्शन। दिस फेज इज इनिशिएटेड बाय सेलुलर डिसरप्शन व्हिच अफेक्टेड सेल्स रिलीज वेरियस केमिकल मेडिएटर्स सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन दैट रिएक्ट टू पेनफुल स्टिमुलाई। टू टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्व फाइबर्स कंडक्ट द पेनफुल स्टिमुलाई, द फास्ट माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर्स एंड द स्लो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जब भी कोई टिश्यूज डैमेज होता है, जब भी कोई सेल डैमेज होती है तो उससे केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही रिलीज होगा तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचाएगा और पेशेंट को या किसी पर्सन को पेन फील होता है। और ये जो पेनफुल स्टिमुलाई होता है, जो दर्द होता है, उसको कंडक्ट करने के लिए दो प्रकार की पेरिफेरल नर्व फाइबर्स होती हैं, जिसका नाम है फर्स्ट वन इज फास्ट माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर्स और सेकंड इज स्लो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स। देन आता है पेन ट्रांसमिशन। इट इज द मूवमेंट ऑफ पेन इम्पल्स फ्रॉम द साइट ऑफ ट्रांसडक्शन टू द ब्रेन। थ्री सेगमेंट आर इन्वॉल्व इन द पेन ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन अलोंग द पेरिफेरल नर्व फाइबर टू द स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड इज डॉर्सल हॉर्न प्रोसेसिंग। थर्ड इज ट्रांसमिशन टू द थैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो पेन ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो जब भी किसी पर्सन या पेशेंट को जिस साइड पर पेन हो रहा है तो वहाँ से पेन की जो इम्पल्स होती है हमारे ब्रेन तक पहुँचती है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ब्रेन को कि उसको पेन हो रहा है। तो इसके अंदर जो पेन ट्रांसमिशन है उसके अंदर थ्री सेगमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है कि जब भी उसको पेन होता है तो वहाँ से वो इम्पल्स पेरिफेरल नर्व्स के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती है और फिर स्पाइनल कॉर्ड से डॉर्सल जो हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वहां तक ये पहुंचती है और डॉर्सल हॉर्न्स के बाद में ये थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। देन थर्ड आता है पेन मॉड्यूलेशन। इट इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ डिसेंडिंग पाथवे दैट एक्सर्ट इनहिबिटरी और फैसिलिटरी इफेक्ट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ पेन। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एंड डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन नॉन सेसेप्टिव स्टिमुलाई मे और मे नॉट बी परसीव पेन। मॉड्यूलेशन ऑफ द पेन सिग्नल ऑकर एट द लेवल ऑफ पेरीफरी। डिसेंडिंग मॉड्यूलेटर फाइबर्स रिलीज द केमिकल सच एज सीरोटोनिन गाबा दैट कैन इनहिबिट द पेन। सो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, पेन मॉड्यूलेशन में जो हमारा डिसेंडिंग पाथवे उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। अब डिसेंडिंग पाथवे दैट मीन्स जो हमारी मोटर नर्व्स होती है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, जिसका इफेक्ट एक तरीके से इनहिबिटरी भी हो सकता है और एक्साइटरी भी हो सकता है। तो इस प्रकार के इफेक्ट की वजह से ही पेन का मॉड्यूलेशन होता है।
तो वो मॉड्यूलेशन के टाइप्स और डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि पेन परसीव होगा या नहीं होगा। और जो हमारा डिसेंडिंग जो पाथवे है वहाँ पर किसी प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीरोटोनिन, गाबा, जो कि हमारे पेन के ट्रांसमिशन को इनहिबिट करते हैं। सो फोर्थ नंबर इज परसेप्शन ऑफ द पेन। इट गिव्स अवेयरनेस एंड मीनिंग टू द पेन सो दैट द पर्सन कैन रिएक्ट। द रिएक्शन टू द पेन आर साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रेस्पॉन्स दैट ऑकर्स आफ्टर द पेन परसेप्शन। सो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जैसे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, पेन का मॉड्यूलेशन हुआ, पेन का मॉड्यूलेशन जैसे ही होगा तो पेन का परसेप्शन होगा, जो कि हमको अवेयर करता है, मीनिंग देता है कि हमको पेन हुआ है, और उस पेन की वजह से ही हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और इस रिएक्शन की वजह से बहुत तरीके के जो हमारे बॉडी होती है उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंज आते हैं, जिससे ही पेन का परसेप्शन होता है। देन आता है पेन असेसमेंट, यानी कि आप पेन को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं कि वेदर द पर्सन इज हैविंग पेन और नॉट। अगर पेन है तो उसका एक्सटेंट कितना है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है। तो हम सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करेंगे, असेसमेंट करेंगे, वो करेंगे इसके आधार पर। फर्स्ट वन इज़ ऑप्टेन ए पेन हिस्ट्री। तो हम सबसे पहले पेन की हिस्ट्री लेते हैं, ऑप्टेन करते हैं कि पहले उसका हिस्ट्री क्या रहा पेन का। तो जब भी पेशेंट को पेन होता है तो उससे पूछते हैं कि आपको पेन कितने लंबे समय से हो रहा है, पहले भी आपको कभी पेन हुआ है, उसका कारण क्या था, आपने कभी ट्रीटमेंट लिया है इसका पेन का। तो सारी चीज़ें हम एज ए हिस्ट्री उससे कलेक्ट करते हैं। सेकंड आता है यूज़ व्हाट्सएप PQRST एंड ओल्ड कार फॉर्मेट। तो जब भी पेन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है तो उस वाली कंडीशन में आप व्हाट्सएप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, PQRST फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड कार फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट आता है व्हाट्सएप फॉर्मेट। सो W मीन्स वेयर इज़ द पेन, पेन कहाँ पर है। H फॉर हाउ डज द पेन फील, जो पेन हो रहा है वो किस प्रकार का फील हो रहा है, वेदर इट इज बर्निंग पेन, एचिंग पेन और डल पेन या हार्ड बर्न पेन। देन A फॉर एग्रीवेटिंग एंड एलिविएटिंग फैक्टर्स, अब जो पेन हुआ है उसको एग्रीवेट करने वाले, बढ़ाने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, और एलिविएट दैट मीन्स कम करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देन आता T फॉर टाइमिंग, यानी कि उसका ड्यूरेशन कितना था, एक मिनट, दो मिनट या पाँच मिनट का पेन हुआ है। देन एस फॉर सीवियरिटी, कि वो पेन कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर पेन है। देन यू फॉर यूजफुल अदर डाटा, यानी कि आप भी अदर डाटा भी उससे कलेक्ट कर सकते हैं। देन पी फॉर परसेप्शन, यानी कि आपने जो पेन हुआ है उसका परसेप्शन किस प्रकार का है, जब भी पेन होता है तो आप उस पेन को परसीव करते हैं। देन आता है PQRST फॉर्मेट। P फॉर प्रोवोक, यानी कि प्रोवोक करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। Q फॉर क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी ऑफ पेन किस प्रकार का है। देन R फॉर रीजन या रेडिएशन, कौन सी लोकेशन में हुआ है और वो कौन से पार्ट में स्प्रेड हुआ है या रेडिएट हुआ है। देन S फॉर सीवियरिटी, कितना सीवियर है। T फॉर टाइमिंग, यानी कि ड्यूरेशन। देन आता है ओल्ड कार्ड फॉर्मेट। O फॉर ऑनसेट, यानी कि यह पेन कब हुआ। L फॉर लोकेशन, किस जगह पर हुआ। D फॉर ड्यूरेशन, कितने टाइमिंग के लिए हुआ। C फॉर करेक्टरिस्टिक, यानी कि उस पेन का क्या करेक्टर था, यानी कि डल था, एचिंग पेन था, बर्न पेन था, ठीक है। तो ये आप करेक्टरिस्टिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिर A फॉर एग्रीवेटिंग फैक्टर, यानी कि उस पेन को बढ़ाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से थे। R फॉर रेडिएशन, वो पेन कहाँ तक फैला, स्प्रेड हुआ। T फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि उसका ट्रीटमेंट आपने क्या दी। थर्ड आता है डेली पेन डायरी फॉर क्लाइंट वो एक्सपीरियंस क्रॉनिक पेन। जिस प्रकार की डायरी बनाई जाएगी वो किस प्रकार के पेशेंट में बनाई जाती है जिसको क्रॉनिक पेन हुआ हो। देन आता है मे हेल्प द क्लाइंट एंड द नर्स आइडेंटिफाई पेन पैटर्न्स एंड फैक्टर्स दैट एक्सर्बेट और मेडिएट द पेन। तो इस प्रकार के कंडीशन में ये पेशेंट और नर्स को भी हेल्प कर सकता है, इसके द्वारा पेन का पैटर्न्स पता पड़ सकता है और उसके फैक्टर्स भी पता पड़ सकते हैं कि किस प्रकार के फैक्टर्स इसको प्रभावित कर रहे हैं। अब जब भी हम ये रिकॉर्ड बनाते हैं, डायरी बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन
का टाइमिंग क्या था, कब ये ऑनसेट हुआ, और जब भी ये पेन हुआ तो उससे पहले आपने क्या काम किया, और जब भी आपने पोजीशन की तो पोजीशन की वजह से पेन तो नहीं हुआ है तो वो भी हम लिख सकते हैं, या जब भी पेन हुआ तो मे बी उसके बिहेवियर की वजह से हुआ हो तो बिहेवियर भी उसमें मेंशन करना है। उसके अलावा पेन की इंटेंसिटी का लेवल क्या है, उसके अलावा जो पेन हुआ है उसको रिलीफ करने के लिए आपने मेडिकेशन दिया है या नहीं दिया है वो भी उसके अंदर मेंशन करना है, या किसी अदर प्रकार के जो रिलीफ मेजर्स होते हैं वो आपने दिए या नहीं दिए तो वो भी उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा पेन का ड्यूरेशन क्या था, यानी कि उसकी टाइमिंग क्या थी, यानी कि कितना लंबा वो पेन हुआ है उसको, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, उसके अलावा जो भी आपने रिलीफ मेजर्स दिए हैं या जो एक्टिविटीज़ की हैं उसमें कितना टाइम स्पेंड हुआ, तो ये आप सारा का सारा जो चीज़ है आप डेली डायरी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन आता है फोर्थ नंबर, विजुअल एनालॉग स्केल। सो विजुअल एनालॉग स्केल के अंदर क्या आता है, यूजफुल इन असेसिंग द इंटेंसिटी ऑफ पेन इंक्लूड ए हॉरिजेंटल 10 सेंटीमीटर लाइन विद एंकर्स इंडिकेटिंग द एक्सट्रीम ऑफ पेन। अब विजुअल एनालॉग स्केल के अंदर क्या होता है, ये जो स्केल यूज़ किया जाता है पेन की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए किया जाता है, इसमें 10 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और बीच बीच में एंकर्स होंगे, वो एंकर्स ये शो करते हैं कि पेन का जो सीवियरिटी वो कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और जैसे ही वो एंकर्स बढ़ते जाएंगे तो उसकी पेन की इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जाती है। द क्लाइंट इज आस्क्ड टू प्लेस ए मार्क इंडिकेटिंग वेयर द करंट पेन लाइज ऑन द लाइन। तो इसमें पेशेंट से हम बोलेंगे कि जो पेन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आप इस पे जो मार्क्स कर रखा है उसके आप ऊपर पेन रख सकते हैं या फिंगर्स रख के शो कर सकते हैं कि आपको कितना पेन है। सो लेफ्ट, जो अब लेफ्ट इसमें जो स्केल के अंदर जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, नन और नो पेन, यानी कि किसी प्रकार का पेन नहीं है, और जो राइट वाला पोर्शन है स्केल का वो ये चीज़ इंडिकेट करता है सीवियर और वर्स्ट पॉसिबल पेन, यानी कि राइट वाला जो पार्ट होगा ये चीज़ इंडिकेट करेगा कि उसको जो पेन है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और वर्स्ट है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर, फेसेस पेन स्केल, यानी कि फेस के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि पेन का लेवल कितना होगा। सो दिस इंस्ट्रूमेंट हैज 6 फेसेस डिपिक्टिंग एक्सप्रेशन दैट रेंज फ्रॉम कंटेंटेड टू ऑब्वियस डिस्ट्रेस। द क्लाइंट इज आस्क्ड टू पॉइंट टू द फेस दैट मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स द इंटेंसिटी ऑफ हिज हर और हर पेन। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इसमें 6 प्रकार के फेसेस डाले गए हैं इस स्केल के अंदर, और हर फेस का अलग अलग एक्सप्रेशन है, और उसी एक्सप्रेशन के हिसाब से उसको मार्क्स दिया गया है। तो उस वाली कंडीशन में पेशेंट से पूछा जाएगा कि आपको किस प्रकार का पेन हो रहा है, तो उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि उसका पेन का एक्सट्रीम क्या है, उसका लेवल क्या है, उसका इंटेंसिटी क्या है। देन इसके बाद में आता है मैनेजमेंट ऑफ पेन। सो फर्स्ट वन इज नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिसमें किसी प्रकार की मेडिकेशंस यूज नहीं होती, ये एक प्रकार का जनरल मैनेजमेंट है। तो इस वाली कंडीशन में सबसे फर्स्ट आता है क्यूटिनियस स्टिमुलेशन एंड मसाज। द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन प्रपोजेज दैट स्टिमुलेशन ऑफ फाइबर्स दैट ट्रांसमिट पेनफुल सेंसेशन कैन ब्लॉक और डिक्रीज द ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्सिस। तो क्यूटिनस स्टिमुलेशन और मसाज के अंदर क्या होगा, इसके अंतर्गत एक गेट कंट्रोल थ्योरी आता है। जब भी आप मसाज करते हैं, जब भी क्यूटिनस स्टिमुलेशन करते हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि पेन को स्टिमुलेट करते हैं, तो वो इस कंडीशन के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं, और जैसे ही वो ब्लॉक होंगे तो पेन का परसेप्शन हमको नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है थर्मल थेरेपीज। अब थर्मल थेरेपीज के अंदर जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आइस का यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो आइस और कोल्ड के माध्यम से भी आप पेन को रिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेंस। टेंस मीन्स ट्रांसक्यूटिनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। सो यूज ए बैटरी ऑपरेटेड यूनिट विद इलेक्ट्रोड्स अप्लाई टू द स्किन टू प्रोड्यूस ए टिंगलिंग वाइब्रेटिंग एंड बजिंग सेंसेशन इन द एरिया ऑफ पेन। अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा, एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है, उस बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस से इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड रहते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स हमारी स्किन से अप्लाई किए जाते हैं, और कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहाँ पर पेन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड्स उस जगह पर लगाएंगे जहाँ पर
पेन हो रहा है और वो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस को ऑन कर देंगे। जैसे ही वो उसको ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ से छोड़ती है, तो वहाँ पर टिंगलिंग और वाइब्रेटिंग या बजिंग सेंसेशन होगा, जिसकी वजह से हमारा पेन जो होगा वो रिलीव हो जाए। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन, थॉट टू रिड्यूस द परसेप्शन ऑफ पेन बाय स्टिमुलेटिंग द डिसेंडिंग कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, आप जब आपको पेन हो रहा है, किसी पर्सन को पेन हो रहा है, तो अगर उसको डिस्ट्रिक्ट करना है तो उसको माइंड को आपको अलग करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप जैसे फॉर एग्जांपल टीवी का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही उसका माइंड डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो जो पेन हो रहा है वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी कम होने का रीज़न क्या है, जो आपका डिसेंडिंग जो पाथवे होता है तो उस डिसेंडिंग पाथवे जो होगा एक तरीके से वो इनहिबिटरी हो जाएगा, यानी कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया तो पेन की इम्पल्सेस उस इफेक्टर ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाई और आपको जो दर्द का लेवल है, जो इंटेंसिटी, वो आपका कम हो जाएगा। देन आता है रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे कि आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी आप अपने स्ट्रेस को, अपने पेन को कम कर सकते हैं, जैसे कि ताई चाई, चाइनीज़ रिलैक्सेशन थेरेपी है, रिलैक्सिंग म्यूज़िक, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, गाइडेड विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि आप योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाफिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका पेन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गाइडेड इमेजरी यूजिंग वंस इमेजिनेशन इन ए स्पेशल वे टू अचीव ए स्पेसिफिक पॉजिटिव इफेक्ट्स। द क्लाइंट इज आस्क्ड टू प्रैक्टिस गाइडेड इमेजरी फॉर अबाउट 5 मिनट्स 3 times a day। तो इस वाली कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को इमेजिन करवाना पड़ेगा, यानी कि इमेजिनेशन के माध्यम से आप उसके पेन के लेवल को, एक्सट्रीम को कम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है रूम के अंदर बैठा है, आप उसको इमेजिन करवा सकते हैं कि आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, या पहाड़ों के बीच में, हरियाली के बीच में बैठे हुए हैं, या आप कहीं घूमने गए हैं फॉरेन के अंदर। तो उसका आप उसको इमेजिन करवा के उसके जो पेन का जो इफेक्ट है उसको आप कम कर सकते हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या है, जो हमारा डिसेंडिंग जो पाथवे होता है उसका जो इफेक्ट होगा वो इनहिबिटरी हो सकता है, वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक होने की वजह से पेन का एक्सट्रीम भी कम हो सकता है। जो इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है पेशेंट से, दिन में 3 बार करवानी चाहिए, और हर टाइम उसका जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइमिंग होती है, वो 5 मिनट होनी चाहिए। उससे उसका पेन थोड़ा सा कुछ हद तक कम हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस वाली कंडीशन में क्या होता है, कोई एक पर्सन या हेल्थ प्रोफेशनल्स किसी पेशेंट के ऊपर हिप्नोसिस करता है, और इस हिप्नोसिस के माध्यम से जो पेशेंट का पेन होगा उसको दूर किया जा सकता है। तो इस वाली कंडीशन में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो किसी भी पर्सन या किसी पेशेंट्स को किसी एक फोकल पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए बोलते हैं, और उसी के अनुसार वो धीरे धीरे सजेशन देते जाते हैं और वो उसको फॉलो करते जाते हैं, ताकि इससे क्या होगा, वो एक फोकल पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करेगा और जो आसपास की जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है उसको वो क्या करेगा, रेड्यूस करेगा। आसपास की चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देगा, ओनली एक फोकल पॉइंट पर वो कंसंट्रेट करेगा, जिस वजह से क्या होगा, जो उसका कंसंट्रेशन एक चीज़ पर बंद जाएगा और उसके बाद में जो पेन का जो लेवल है, एक्सट्रीम है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक थेरेपी के माध्यम से भी हम एक्सट्रीम ऑफ पेन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर इज फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। सबसे फर्स्ट आता है नॉन अपोइड्स। नॉन अपोइड्स यानी कि जिसके अंदर अपोइड्स यूज़ नहीं होते, नार्कोटिक्स यूज़ नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल हो गया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसके अंदर एस्पिरिन आती है, आइबुप्रोफेन हो गया, तो ये सारी क्या है, नॉन अपोइड्स हैं। सेकंड आता है अपोइड्स। अपोइड्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि नार्कोटिक या हार्ड स्टफ का यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, मेपरिडिन, पैथिडीन, कोडीन, ट्रामाडोल, ये सारे क्या हैं, अपोइड्स हैं। नेक्स्ट आता है एडजुवेंट थेरेपी। अब एडजुवेंट थेरेपी में क्या होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो इनडायरेक्टली होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकल एनेस्थेटिक हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एंटी कन्वर्जेंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी हिस्टामिन्स। तो इसका जो जितने भी मेडिकेशन हैं इनका इफेक्ट इनडायरेक्टली पेन के लेवल पर पड़ता है।
नेक्स्ट आता है थर्ड, सर्जिकल इंटरवेंशंस। इसके सर्जरी के माध्यम से भी जो पेन का एक्सट्रीम है उसको कम किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट आता है कोडोटोमी, यानी कि टोमी मतलब ओपनिंग, कोडो मतलब कॉर्ड की, यानी कॉर्ड की ओपनिंग की जाती है। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ सर्टेन ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मे बी परफॉर्म परक्यूटेनियसली बाय द ओपन मेथड आफ्टर लेमिनेक्टोमी, केयर मस्ट बी टेकन टू डिस्ट्रॉय ओनली द सेंसेशन ऑफ पेन लीविंग मोटर फंक्शन इंटैक्ट। अब कोडोटोमी में क्या होता है, जो कॉर्ड होती है यानी कि उसके अंदर ओपनिंग की जाती है। अब ओपनिंग कैसे करेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो ऊपरी वाला भाग है स्किन वाला, तो वहाँ पर क्यूटिनसली हम निडल का पेनिट्रेशन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेंसरी नर्व्स होती है, मोटर नर्व्स होती है, उसके अंदर ये इंसर्ट किया जाता है। लेकिन आपको सावधानी ये बरतनी है कि जो पेन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है सेंसरी नर्व्स, उसी को डिस्ट्रॉय करना है, ना कि मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स के जो फंक्शन होते हैं उसको इंटेक्ट बनाए रखना है, ताकि पेन का सेंसेशन आपके ब्रेन तक ना पहुंचे, ना ही वो पेन का मॉड्यूलेशन करे। अब कोडोटोमी में क्या होता है, जो कॉर्ड होती है यानी कि उसके अंदर ओपनिंग की जाती है। अब ओपनिंग कैसे करेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो ऊपरी वाला भाग है स्किन वाला, तो वहाँ पर क्यूटिनसली हम निडल का पेनिट्रेशन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेंसरी नर्व्स होती है, मोटर नर्व्स होती है, उसके अंदर ये इंसर्ट किया जाता है। लेकिन आपको सावधानी ये बरतनी है कि जो पेन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है सेंसरी नर्व्स, उसी को डिस्ट्रॉय करना है, ना कि मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स के जो फंक्शन होते हैं उसको इंटेक्ट बनाए रखना है, ताकि पेन का सेंसेशन आपके ब्रेन तक ना पहुंचे, ना ही वो पेन का मॉड्यूलेशन करे। नेक्स्ट आती है सर्जरी रिजोटोमी, सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय प्रॉब्लमेटिक नर्व रूट इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब इस वाली कंडीशन में क्या हुआ, जो इस डायग्राम के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड दिखाई रखिए, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लमेटिक नर्व रूट है उसको टोटली या सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ताकि पेन का सेंसेशन ना हो, पेन का मॉड्यूलेशन ना हो।